हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में। पंगा गर्ल, जी हां, बॉलीवुड में एक तो पंगा गर्ल है कंगना रनौत, लेकिन अब बिग बॉस सीजन 14 के घर में भी एक पंगा गर्ल आ गई हैं। जी हां, वो कोई और नहीं है बल्कि रुबीना दिलेक हैं। रुबीना दिलेक जो कि अब पंगा गर्ल बन चुकी हैं कंगना रनौत की जगह, जो अब तक की बिग बॉस के घर में ज़्यादातर सभी से पंगे ले चुकी हैं, फिर चाहे वो खुद बिग बॉस हो या फिर सलमान खान सीनियर्स हो, चाहे फिर वो एजाज और पवित्रा जैसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज। रुबीना दिलेक का हर किसी से पंगा हो चुका है, हर बात पर रुबीना दिलेक बोल चुकी हैं, और यही वजह है कि रुबीना दिलेक को पंगा गर्ल का टैग मिला है। आखिर क्यों मिला है उन्हें ये टैग, क्या वो वजह रही, उनके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर रुबीना दिलेक को किस वजह से पंगा गर्ल कहा जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बताएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है फेवरिज्म का आरोप। तो फेवरिज्म का आरोप लग रहा है रुबीना दिलेक पे, उन्हें ऐसा कहते हुए देखा गया है। कल के भी एपिसोड में ऐसी चीज़ देखी गई थी, वो बोल रही थी टास्क के दौरान कि जो लोग टीआरपी ज़्यादा देंगे, लोग जो ज़्यादा दिखेंगे लड़ेंगे, उसको ही तो ज़्यादा, जो ज़्यादा कवरेज देखा उसी का ही तो पक्ष लिया जाएगा, उसी को ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। वो लोग ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं, ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, इस वजह से उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे तो हमें सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, इस वजह से हम लोग ये टास्क हार गए। दरअसल कैप्टनसी का टास्क चल रहा था और उस टास्क के अंदर अभिनव जीतते जीतते हार जाते हैं, और बहुत से लोगों को ये चीज़ लगती है कि आखिर बिग बॉस ने नैना से क्यों नहीं कही ये चीज़ कि आप ये बताएं कि कौन जीता है, बल्कि उनसे ये पूछा गया कि किसका बैग बाहर था। तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग उठ रही है, इसी वजह से रुबीना दिलेक ने ये चीज़ बोली और उन्होंने एक बार फिर से फेवरिज्म की बात बोल करके बिग बॉस से पंगा ले लिया है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से वो पंगा गर्ल बन चुकी हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उन्हें पंगा गर्ल कहा जा रहा है। वहीं एक पॉइंट है, पति को सामान के ऊपर हुआ विवाद। जी हाँ, कुछ दिनों पहले की बात है, जब वीकेंड का वार पर सलमान खान ने मजाक मजाक में रुबीना दिलेक के हस्बैंड को सामान बोल दिया था, यानी कि उनका पर्सनल सामान। और फिर आप जानते ही हैं कि रुबीना दिलेक ने बिग बॉस के घर में कितना बवाल किया था, वो सीधा कन्फेशन रूम में जाके बैठ गई और धमकी दे डाली कि मैं इस शो को नहीं करूंगी। उन्होंने सलमान खान पर भी सवाल उठा डाले कि वो इस तरीके से, हमें जब जानते नहीं है तो वो इस तरीके के मजाक क्यों कर सकते हैं, मैं इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूं। काफ़ी बिग बॉस ने समझाया, उस टाइम भी वो नहीं मानी, लेकिन बाद में जाकर के चीज़ें सॉर्ट आउट हुई और वीकेंड का वार पर सलमान ने भी उनकी लतार लगाई। तो यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने बिग बॉस के साथ साथ सलमान से भी पंगा लिया है। तो ये रुबीना का दूसरा पॉइंट था जिसकी वजह से वो पंगा गर्ल कहलाई जा रही हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उन्हें पंगा गर्ल कहा जा रहा है। उनमें एक पॉइंट है टास्क में कचरे पर बिगड़ी बात। जी हाँ, टास्क के दौरान हुआ ऐसा कि जब वीकेंड का वार था और एक टास्क होना था कचरा वाला, कि आखिर किसके दिमाग में ज़्यादा कचरा है, निक्की तंबोली या रुबीना दिलेक। अब टास्क को ये करने से मना कर देती हैं रुबीना कि ये कचरा, मुझे कचरा क्यों बोला जा रहा है, मैं कचरा हूँ, मेरी बेइज्जती करी जा रही है, मैं ऐसा टास्क नहीं करूँगी। वो पूरा टास्क करने से मना कर देती हैं, जिसके बाद सलमान खान आते हैं और वो उन्हें समझाते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल में जाकर के रुबीना ये टास्क करती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस जगह पर भी पंगा ले लिया। अब भाई, पंगा की बात हो ही रही है तो रुबीना दिलेक का सीनियर से भी पंगा हो चुका है यहाँ पर। तो सीनियर से पंगा कब हुआ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब काम बांटे जा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था वर्क का कि कौन क्या वर्क करेगा, तो उस टाइम पर भी रुबीना खड़ी हो गई। जी हाँ, अपना झंडा लेके खड़ी हो गई कि मैं नहीं करूंगी। सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर, गौहर से लेकर, हिना खान से लेकर, तीनों से उनका पंगा हो चुका है और वो लड़ भी चुकी हैं कामों के ऊपर। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीनियर से भी वो भिड़ चुकी हैं। इसके अलावा भी रुबीना का पंगा हो चुका है। इसके अलावा रुबीना ने बिग बॉस पर भी आरोप लगा दिया। अगर आपको याद हो, जब सीजन शुरू हुआ था तो रुबीना दिलेक को बाहर ही रहना पड़ा था, गार्डन में उन्हें कुछ भी लग्जीरियस सामान का यूज़ करने को नहीं मिला था। उस पर भी रुबीना ने बोला था कि मेरे को जानबूझ करके इस तरीके से दिखाया जा रहा है, या मेरी गलत छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सीधा बिग बॉस से ही पंगा ले डाला था। तो आप देखिए कि सीनियर्स हो, चाहे सलमान हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे टास्क करते करते मना कर देना, तो भाई रुबीना ने तो बार बार पंगे लिए हैं। अब ये पंगा का जो टैग है वो पूरे सीजन में रुबीना के ही पास रहेगा या फिर बदल जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि रुबीना इस सीजन की पंगा गर्ल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस 14 से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।